पांडवों के वनवास के समय एक बार युधिष्ठिर ने देखा नकुल और सहदेव बड़े गुस्से से लकड़ियों को काट रहे। युधिष्ठिर उन भाइयों के पास जाकर कहा, नकुल और सहदेव, हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो। अगर मनुष्य ये ध्यान रखना छोड़ दे तो प्रकृति का भंडार ही रिक्त हो जाएगा। तब नकुल और सहदेव ने कहा कि क्या करें भैया, आप जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनियों को काटने के लिए आज्ञा नहीं दे रहे। तब उसी वक्त ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में वहाँ पधारते हैं। तब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में उनको प्रणाम किया। ऋषि दुर्वासा उनको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। तब युधिष्ठिर ऋषिवर दुर्वासा जी को कहा कि आप हमारे कुटिया में आकर कुटिया की शोभा बढ़ाइए। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, अगर तुम कुंती पुत्र ना होते तब तुम्हें मैं श्राप दे देता। ऋषि शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते। ऋषि दुर्वासा ने और कहा कि मैं हस्तिनापुर गया, दुर्योधन वहाँ मेरा खूब सेवा की और वो कहा निकट ही मेरे भ्राता युधिष्ठिर है, आप उन्हें भी आशीर्वाद दे आइए, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया। जाइएगा ता युधिष्ठिर भी निकट ही है। हमारे सौभाग्य के द्वार खुल गए ऋषियों के पधारने से तो। और ऋषि दुर्वासा जी आके युधिष्ठिर से कहा कि हम लोग स्नान के बाद भोजन करेंगे, हे राजन आप भोजन की प्रबंध करो। का प्रबंध करो, जो आज्ञा ऋषिवर। भ्राताश्री, जब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में नहाने चले गए तब पांडव सोचने लगे कि इस वक्त भोजन तो शेष ना होगा क्योंकि द्रौपदी भी भोजन कर चुकी होगी। तब वो समझ गए कि दुर्योधन आखिर उनके पास दुर्वासा ऋषि जी को क्यों भेजा है। और द्रौपदी भी भोजन कर उस समय चूल्हे से राख निकाल रही थी और उन्हें ऋषियों के आने का कोई खबर नहीं था। तो फिर ऋषि दुर्वासा का क्रोध, और यदि कोई भोजन बचाना हो। तब युधिष्ठिर आकर द्रौपदी को बताया, ऋषि दुर्वासा जी आ चुके हैं और वो स्नान के पश्चात भोजन करने वाले हैं। तब द्रौपदी और पांडव चिंता में पड़ गए क्योंकि उनके रसोई घर में चावल के एक दाना छोड़कर और कुछ नहीं था। और द्रौपदी कहने लगी कि भला एक कौन सोच सकता है कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट के पास में 4-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए सोचना पड़ रहा है और इंद्रप्रस्थ की पटरानी के रसोई घर में एक चावल के दाना छोड़कर और कुछ नहीं है। तब द्रौपदी अपने सखा, अपने प्रभु कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे सखा, हे परमेश्वर, आप आकर हमें इस संकट से उभारे। तब युधिष्ठिर द्रौपदी से कहने लगे कि पांचाली, ये ऋषि दुर्वासा है, तुम कृष्ण को क्यों पुकार रहे हो। तब कृष्ण स्वयं उस कुटिया में पधार चुके थे और कृष्ण आके कहने लगे, शायद मेरे आने से आप लोग खुश नहीं हुए। द्रौपदी कहते हैं कि हमारे लिए आपके आने के अतिरिक्त और खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। कहने लगी कि मेरी बहन सुभद्रा कैसी है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो पहले मुझे कुछ भोजन करवाओ। द्रौपदी उस मिट्टी के हांडी से उन्हें एक चावल दिखा कर कहा कि मेरे पास इस एक चावल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कृष्ण जानते हैं कि क्या संकट आन पड़ी है इन पांडवों के ऊपर। और उस तरफ ऋषियों ने नहाते हुए कहा कि हमें शीघ्रता करना चाहिए क्योंकि महारानी द्रौपदी ने बड़े अच्छे पकवान बनाए होंगे और हमारे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर इधर कृष्ण उस एक ही दाना चावल खाकर खुद तृप्त हो गए और ऋषियों को भी तृप्त कर दिए। अगर आप भी भगवान कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें। महाभारत की इस भाग से हमने सीखा कि हमें हर घड़ी में भगवान कृष्ण को स्मरण जरूर करना चाहिए। अगर आपने इस भाग से कुछ सीखा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।